पहले तो मैं सब उधमपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमने जो प्रतिनिधि को भारी बहुमत से चुन के संसद में भेजा है, प्रधानमंत्री जी ने उन पर फिर से विश्वास जताते हुए फिर से उनको मंत्री बनाया है। और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास लगभग 6 मंत्रालय उन्होंने दिए हैं। किसी भी मंत्री के पास इतने मंत्रालय नहीं है जितने डॉक्टर साहब को उन्होंने मंत्रालय दिए हैं। ये साबित करता है कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी में उनका कितना विश्वास है, और डॉक्टर साहब ने अपने 10 सालों में अपनी विश्वसनीयता को उनके सामने अपने बढ़ाया है। उनको जो है उनके ऊपर पूरा भरोसा है, जिसकी वजह से उन्होंने उनको इतने मंत्रालय सौंपे हैं। सभी मंत्रालय बड़े महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ उधमपुर की जनता से कि वो हमें विश्वास रखें, हमारे पर विश्वास रखें। हमारी कोशिश रहेगी कि उधमपुर की जितनी भी कठिनाइयाँ हैं, उधमपुर की जितनी भी समस्याएँ हैं, उनको उनके समक्ष रखा जाए। उन सब समस्याओं को कैसे हमने दूर करना है, मिलजुल के दूर करना है, एक पॉजिटिव वे से हम काम करेंगे। डॉक्टर साहब आगे भी हमेशा पॉजिटिव रहे हैं, उन्होंने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की है किसी भी किसी के विरुद्ध कोई बात नहीं की। उन्होंने अपने विरोधियों के प्रति भी बड़े अच्छे शब्दों का हमेशा प्रयोग किया है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ उधमपुर की जनता को कि आने वाले समय में, अगले 5 साल में उधमपुर में जो अभूतपूर्व विकास होगा, और जो भी उधमपुर की समस्या है वो हम डॉक्टर साहब के थ्रू, जितने भी दूसरे मंत्रालय हैं, उनसे हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ।